चुनाव का पहला राउंड किसके नाम? ये अखिलेश जी इतने डरे हुए हैं कि जो मले उसको गले लगा लेते हैं, वरना कोई डूबती नाव में पैर रखता है क्या? बीजेपी वालों ने तो कमाल किया था, हमें और आपको अच्छे दिन के बहाने लाइन में लगा दिया। से हो या बाहर से आए हो, मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, वहां अचार बनेगा, अलग अलग आम के प्रोडक्ट बनेंगे और एयरपोर्ट से सीधा जाएगा आम अमेरिका, उत्तर प्रदेश से। ऐसी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है जिस पार्टी को यहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि का खास प्रतीक माना जाता है। नेताओं का शो खत्म, अब जनता का शो शुरू। किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? कौन सा मुद्दा आपको लगता है हावी रहेगा? कौन कौन से मुद्दे दिमाग में रहेंगे? किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? 11 तारीख को मतदान है, क्या मुख्य समस्याएं आप देख रहे हैं? क्या मुद्दे रहेंगे आपके? 15 जिले, 73 सीट और 2,57,00,000 वोटर्स। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ 36 घंटे बाकी है। वोटिंग से 36 घंटे पहले आज आप देखेंगे यूपी का वोटर्स बोल। वोटर्स बोल का मतलब है मतदाताओं की राय, यानी इससे आपको पता चलेगा कि आखिर यूपी चुनाव के पहले राउंड में जनता किन मुद्दों पर देगी वोट। 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश के जिन 15 जिलों में वोटिंग होगी वो है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर और हाथरस। यूपी के इन 15 जिलों में जी मीडिया रिपोर्टर्स ने स्थानीय मतदाताओं से ये जाना कि इस बार जब वो वोट करने जाएंगे तो उनके सामने सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। तो शुरू होता है वोटिंग से 36 घंटे पहले वोटर्स बोल। ये पोल नहीं है, ये यूपी के वोटर्स के बोल है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं रूपिका लियाकत। जी हां, 36 घंटे बाद 11 तारीख को 15 जिलों में मेरे पीछे जो आलम आप देख रहे हैं यही आलम होगा, यही तस्वीर होगी जब 2,57,00,000 वोटर्स अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। तो क्या वो मुद्दे होंगे जब इन 73 सीटों के 139 उम्मीदवारों को खरा उतरना होगा उन मुद्दों पर? हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग इलाकों में लोगों के बीच पहुंचे ये जानने के लिए कि इस चुनाव में बताइए साहब वो सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा कौन सा है। हमने बकायदा इन मतदाताओं के सामने विकल्प भी रखे, ऑप्शंस। सवाल सीधा ये कि किस मुद्दे पर करेंगे वोटिंग। ऑप्शन आपके सामने है, विकास, जाति या धर्म, नोटबंदी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, अपराध या कोई ऐसा मुद्दा है जो आपके जहन में चल रहा है। तो मतदान केंद्र में अपने आप को अगर आप यूपी में हैं और उन कुछ 2.5 करोड़ वोटर्स के अंदर आप भी शामिल हैं, तो जब आप वोट कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है आपके जहन में इस वक्त यहां पर दिमाग में चल रहे होंगे वो मुद्दे के किस उम्मीदवार को किस मुद्दे पर मैं चुन लूं, या वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर उम्मीदवार मेरा जो है वो खरा उतरने वाला है। तो शुरुआत हमने की नोएडा से। आखिर नोएडा यूपी के खजाने में सबसे ज्यादा पैसे डालता है, सूबे की तरक्की की मिसाल है। ऐसे में जिले के मतदाताओं की उम्मीद भी अपने मायनों में काफी अलग और काफी ज्यादा है। तो इन सात में से कौन सा वो मुद्दा नजर है आपके सामने? गौतम बुद्ध नगर जिला यानी उत्तर प्रदेश की तरक्की का आधार। गौतम बुद्ध नगर में ही नोएडा जैसा शहर भी आता है जो उद्योग और शिक्षा का हब है। यहाँ पर 11 फरवरी को वोट डाले जाने। आज हम चलते हैं नोएडा और जानते हैं कि चुनाव को लेकर यहाँ पर लोगों का क्या मिजाज है।
वोटिंग से पहले जी मीडिया रिपोर्टर अश्विनी गुप्ता गौतम बुद्ध नगर में हर वर्ग के मतदाता के बीच गए, उनकी राय जान। अब देखिए किन मुद्दों पर वोट करेगा गौतम बुद्ध नगर। कौन सा मुद्दा आपको लगता है हावी रहेगा? सर मुद्दे तो काफी सारे हैं, जैसे एक तो जो डिमोनेटाइजेशन का सबसे पहला रहेगा, कुछ लोगों को इसका एडवांटेज भी है और कुछ लोगों को नुकसान भी है। इन सब चीजों पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा विकास। विकास कहाँ पे हो रहा है, किस चीज़ पे हो रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे लोग। डेवलपमेंट प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि अभी के जो यूथ जनरेशन है उनकी थिंकिंग्स है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो चुकी है, वो कास्ट फैक्टर से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। आप जब वोट डालने जाएंगे तो कौन कौन से मुद्दे दिमाग में रहेंगे आप? नोटबंदी भी एक बड़ा मुद्दा है, और नोएडा में भ्रष्टाचार भी, जो सरकार रही है 5 साल उसको भी लेकर के लोगों के जो मिजाज है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। विकास होना चाहिए, मेन विकास होना चाहिए। मैंने पब्लिक का जनसंख्या लेकर होता है विकास, जिनको कोई तकलीफ ना हो। ये मुद्दा आपके हिसाब से कौन सा अहम रहेगा वोट के इसमें? जो क्षेत्र का विकास होए, गरीब से लेकर अमीर जो भी हैं, कि उनकी बातों को ध्यान रखा जाए, कि कहाँ पे किस प्रकार की परेशानियां हैं उनको विशेष करके ध्यान रखा जाए। जब मैं वोट डालने जाऊँगा तो सबसे पहला जो मुद्दा जो मैं रेगुलर फेस करता हूँ, जैसे मैं जॉब करता हूँ ऑफिस जाता हूँ, सबसे पहला मुद्दा है ट्रैफिक मैनेजमेंट। जो नोएडा में ट्रैफिक मैनेजमेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा स्पेशली अगर हम बात करें तो क्राइम्स दिन पे दिन यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली अगर हम बात करें चेन स्नैचिंग या गाड़ियों की लूट की। एक तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक को लेकर है, बहुत बहुत ट्रैफिक जाम रहता है और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। मेनली वुमेन सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे कि स्पेशली नोएडा एरिया में काफ़ी आप देखते हैं न्यूज़ में काफ़ी सारी चीज़ें वुमेन्स को लेकर आती हैं। गौतम बुद्ध नगर में हमने जितने भी मतदाताओं से राय ली उनमें से 40% लोग विकास के मुद्दे पर, जबकि 20-20% लोग नोटबंदी और महिला सुरक्षा के साथ अपराध के मुद्दे पर वोट करेंगे। 15% मतदाताओं के लिए चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है। तो नोएडा ने तो कह दिया है 40% लोग कि हम तो भाई विकास के मुद्दे पर ही करने वाले हैं वोटिंग। अब यूपी का शहर आगरा कभी देश की सत्ता का केंद्र हुआ करता था, कई मुगल बादशाहों ने यहां से पूरे हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत चलाई। अंग्रेजों ने भी आगरा और अवध की रियासतों को मिलाकर यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज का उत्तर प्रदेश बनाया। अब ना तो आगरा राज्य की राजधानी है ना ही देश की, और शायद हाशिए पर चले गए आगरा के लोगों को यही बात सबसे ज्यादा खटकती है। कौन सा मुद्दा चलेंगे आगरा के लोग, देखते हैं। ताज नगरी आगरा, देसी विदेशी पर्यटकों से आगरा की अर्थव्यवस्था दौड़ती है। जनता का दर्द है कि पर्यटन के विकास के लिए किसी सरकार ने किसी नेता ने कुछ नहीं किया। दुनिया में एक ताजमहल जो है 7 अजूबों में पहला नंबर है, उसके बावजूद यहाँ कोई पानी का प्रबंध नहीं है। दूसरी ये है कि एक एयरपोर्ट तो बहुत जरूरी चाहिए यहाँ पर। छलावा कराए सब रे नेताओं ने, ना बैराज बना ना पानी की समस्या है। कोई भी सरकार आई हो सिर्फ वादे किए हैं, लेकिन किसी ने पूरा काम नहीं किया अभी तक। यूपी की बदहाल कानून व्यवस्था भी वोटर्स के लिए बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा का मुद्दा बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्यटक के साथ साथ जो हमारी महिला बहनें हैं उनके साथ रात में निकलना बहुत खतरे से खाली है यहाँ पर। क्या मुद्दे रहेंगे बेटा आपके वोट करने के लिए? महिलाओं की सुरक्षा के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल महिलाओं की सेफ्टी। वोटर्स ने नोटा का भी जिक्र किया। रोजगार के अवसर नहीं होने से सरकार पर से भरोसा ही उठ चुका है। नए वोटर्स के लिए मुद्दा शिक्षा और रोजगार भी है। वैकेंसी मिले, नौकरी मिले और जॉब मिले, और सबसे अच्छी शिक्षा मिले हमें। वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए ताकि हर पर्सन अपना जीवन यापन कर सके। ये जरूरी नहीं है कि सभी शिक्षित हो, ये जरूरी है कि सभी को रोजगार मिले, और वो रोजगार वोकेशनल एजुकेशन से मिलेगा। जी मीडिया संवाददाता विवेक पाठक ने आगरा की जनता की वोटिंग राय आपके सामने रखी। करीब 60-65% वोटर विकास के नाम पर वोट देना चाहते हैं। 30-35% वोटर्स के लिए अपराध और महिला सुरक्षा वोटिंग के लिए बड़ा मुद्दा है, जबकि शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर 10-15% लोग अपना वोट देना चाहते हैं। फिर याद दिला दूं आपको, ये यूपी का वोटर्स बोल है। क्या बोल रहे हैं वोटर्स बताने की कोशिश। अब आगरा के बाद रुक करते हैं चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद का। आइए देखें यहां कौन सा मुद्दा खनक रहा है। फिरोजाबाद यूपी का ऐसा शहर जहां की गलियों में चूड़ियों की खनक गूंजती है। फिरोजाबाद में चूड़ी और कांच के छोटे बड़े करीब 400 कारखाने हैं। 11 फरवरी को यूपी के जिन 15 जिलों में पहले चरण का चुनाव है उसमें एक जिला फिरोजाबाद भी है। मैं इस वक्त फिरोजाबाद के सुहाग नगर चौराहे पर खड़ा हूँ। फिरोजाबाद जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं
और पांचों विधानसभा सीट पर 11 फरवरी को मतदान होना है। आज हम जानते हैं, लोगों की राय लेते हैं कि आखिर इस बार के 2017 के मतदान पर वो किस मुद्दों को लेकर अपना मत डालने जाएंगे। आगामी चुनाव में देने जा रहे हैं वोट, वो केवल हमारा एक ही मुद्दा है, वो है विकास का। सड़कें, बिजली, पानी, ये ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो आज भी यहाँ की जनता को चाहिए। अरे दिमाग मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है नोटबंदी का। नोटबंदी से आदमी बहुत परेशान है, कारोबार बिल्कुल चौपट हो गए और गुंडागर्दी भी काफ़ी हद से बढ़ी हुई है। हम तो विकास चाहते हैं अपने शहर का और शांति चाहते हैं और अच्छा नेता चाहिए और क्या। सर मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे मुख्यमंत्री आ रहे हैं वो महिला को सुरक्षा को लेकर थोड़ा सतर्क हों। मैंने ये देखा है कि जब भी मैं बस स्टैंड पर आती हूँ या रैपिड टेस्ट देकर, तो रात में के दौरान कोई भी पुलिस वाला वहाँ तैनात नहीं होता है, और स्ट्रीट लाइट भी होती भी है तो वह बुझी हुई होती है। फिरोजाबाद के बारे में कहा जाता है कि ये शहर हमेशा लखनऊ की हवा के साथ चलता है। यहाँ के ज्यादातर मतदाताओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा विकास है। जी मेन मुद्दा होगा भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था का। मेरा मानना है अगर कानून व्यवस्था ठीक है और भ्रष्टाचार पर अगर लगाम लगता है तो विकास तो अपने आप हो जाएगा। विकास को रोकने के लिए भ्रष्टाचार सबसे पहले आगे आ जाता है, तो सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और कानून व्यवस्था को दुरुस्त होना चाहिए। हम तो देखिए विकास के मुद्दे पर वोट देना अधिक पसंद करेंगे, और जो भी कार्य हो, जो भी पार्टी हो, जो देश हित में काम करेगी वही उसी पक्ष में जाना पसंद करेंगे। बिजली के मुद्दे को, यहाँ की सरकार बिजली नहीं दे पाती, जो सरकार अच्छी बिजली देगी उसको हम वोट देंगे। एक्चुअली में मुझे यही मुद्दा होगा इसमें, एक तो नोटबंदी के कारण यहाँ पर सारी पब्लिक को परेशानी झेलनी पड़ेगी, इसमें सारे कारोबार, बिजनेस, काम धंधे, व्यापार वगैरह बिल्कुल ठप हो चुके हैं इसमें। विकास के बारे में करूँगा, मैं छोटा दुकानदार हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे लोग अच्छे लोग मिले हमें, उनको सपोर्ट करना है वोटों का। फिरोजाबाद के जिन मतदाताओं से हमने बात की उनमें से 50% मतदाता विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे, जबकि 20-20% मतदाताओं के लिए नोटबंदी और कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा होगा। 10% मतदाता भ्रष्टाचार को सबसे अहम मुद्दा बनाकर वोट करेंगे। एक बात समझ लीजिए, विकास सबसे पहले नंबर पर आ रहा है। वैसे कहते हैं कि बोल में मिठास हो तो क्या कहने। यूपी का शामली जिला गन्ना उद्योग का गढ़ है, वहाँ लोगों के खाने में मिठास घोलने का काम वहाँ के लोग करते हैं। 1857 का गदर आप याद कीजिए, यहाँ के लोगों के रोल की वजह से ही अंग्रेजों ने इसकी अहमियत खत्म कर दी। शामली को 2011 में मायावती ने जिला तो बनाया, लेकिन विकास की शक्कर यहाँ के लोगों की जिंदगी में घुलनी अभी बाकी है। मुद्दा क्या, गौर कीजिए। यूपी के शामली जिला में सड़क तो है, लेकिन यहाँ के लोग सड़क पर चलने से डरते हैं। वजह है गुंडागर्दी, अपराध, महिलाओं से छेड़छाड़। शामली की महिलाओं का कहना है कि समाज में सिर्फ महिला सुरक्षा ही नहीं, विकास का मुद्दा भी वोट देने का अहम कारण होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि सोसाइटी में महिलाओं को सुरक्षा मिले। मैं महिला हूं तो महिला सशक्तिकरण सबसे पहले देखा जाएगा। सर हमारी बेटियां बड़ी हैं, जैसे बड़ी हो गई हैं, अगर यहां से दिल्ली 100 किलोमीटर दूर पड़ता है, हम उन्हें बिल्कुल भी निसंकोच होके ऐसा भेज ही नहीं सकते। हालात ये है कि शामली में गुंडागर्दी से सिर्फ महिलाएं ही नहीं पुरुष वोटर भी परेशान है, लिहाजा कानून व्यवस्था इनके लिए सबसे खास मुद्दा है। हमें मतलब है जो गुंडागर्दी खत्म करेगा शहर से, तरक्की करेगा, किसी को नहीं सताएगा, मुझे वोटिंग करेगा, कोई भी चेहरा हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो। गुंडागर्दी खत्म करेगी, हम उस सरकार से वोट देंगे। जब व्यापारी सुरक्षित नहीं है, उसका परिवार सुरक्षित नहीं है, तो विकास कहाँ से आएगा। शामली के लोगों के लिए किसानों की समस्या भी एक बड़ा मुद्दा है। वो चाहते हैं कि अब विकास चहुमुखी होना चाहिए। जो किसान मजदूर की बात करेगा और किसान मजदूरों की समस्या, 36 बिरादरी की समस्या का जो निदान करेगा, हम उसको वोट करेंगे। चुनाव में तो सभी अपनी बातों को लेकर रखते हैं कि हम इतना विकास करेंगे, आज तक ऐसा कोई 5-7% ही ऐसे कोई आदमी है जो विकास करते हैं। सर पार्टी और उसमें कैंडिडेट का कोई नहीं होगा, इसमें जो विकास करता है वोट उसको डालेंगे। शामली के वोटर्स ने फैसला ले लिया है। 80% से ज्यादा वोटर्स के लिए कानून का राज सबसे बड़ा मुद्दा है, तो करीब 20% लोगों के लिए विकास का मुद्दा बहुत बड़ी वजह बनेगा। शामली में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा। वैसे दंगों से दहले मुजफ्फरनगर में किन मुद्दों पर होगी वोट की चोट? मुजफ्फरनगर के मतदाताओं के मन में इस बार मतदान को लेकर क्या चल रहा है, एक नजर इस पर। अपना वोट देने के लिए मुजफ्फरनगर की जनता ने कई मुद्दों का हवाला दिया है, क्योंकि मुजफ्फरनगर एक मंडी है और नोटबंदी से लोगों को नफा नुकसान हुआ है, लिहाजा नोटबंदी वोट देने की बड़ी वजह है। जो हाल के में नोटबंदी के कदमों से जो महंगाई कम हुई है,
उस मुद्दे पर हम लेके वोट करेंगे। और नोटबंदी से जो हमारा फायदा हुआ है शुरू के 15 दिन के बाद में, उस मुद्दे पर हम वोट करेंगे। नोटबंदी से हमें फायदा हुआ, थोड़ा नोटबंदी से जो है किसान को बहुत बड़ा झटका लगा है। जनता के लिए वोटिंग का बड़ा मुद्दा सूबे में महिलाओं और उनकी खुद की सुरक्षा है। वोट करेंगे अपने जो सुरक्षा का हमारा है, सुरक्षा के मुद्दे पर हम वोट करेंगे। जो पलायन का मुद्दा है, जो हमारे अस्तित्व पे और एक संकट हमारी अस्मिता पर आ गया है, वो मुद्दा हमारे जेहन में रहेगा। वोट करने का वो रखता हूँ कि कानून व्यवस्था हमारे शहर की खराब है, पुलिस प्रशासन इतनी ढीली हो चुकी है, कुछ भी नहीं कर रही है, काम काज अपना सब जो मतलब दबाव बनाती है नेताओं पे, वो नहीं बनना चाहिए। उन्नति, प्रगति और विकास जनमानस की आज सबसे बड़ी तमन्ना है, लिहाजा वोट देने के लिए भी बड़ा मुद्दा है विकास। बड़े बड़े कारोबार से लेकर छोटे कारोबार सब खत्म होते जा रहे हैं, ये कारोबार वापस स्थापित हो। पश्चिम की जनता बहुत त्रस्त है, उसे जाना पड़ता है 500-600 किलोमीटर दूर, जो हमारी हाईकोर्ट बेंच की मांग रखेगा, हाईकोर्ट बेंच अलग कराएगा, सपोर्ट करेगा, हम उसके वोट करेंगे। चुनाव यूपी का है तो उम्मीदवार की साफ छवि और पार्टी भी वोट देने की एक खास वजह है। दोनों चीजें देखी जाएंगी, लेकिन पार्टी भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, प्रत्याशी उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि प्रत्याशी अकेला व्यक्ति होता है, पार्टी एक विचारधारा होती है और कोई भी प्रत्याशी अपनी पार्टी से बंधा हुआ होता है। पार्टी और प्रत्याशी दोनों को देख के ही चुनाव किया जाएगा, नेता की छवि भी देखी जाएगी और पार्टी का जो पूर्व कार्यक्रम है उन पे भी गौर करके तभी वोट किया जाएगा। अपराध पर रोक और महिला सुरक्षा की गारंटी पर मुजफ्फरनगर की करीब 55-60% जनता वोटिंग करना चाहती है, तो अब 30-35% वोटर विकास पर, करीब 15% जनता के लिए नोटबंदी वोटिंग की बड़ी वजह है। एक बार फिर दर्शकों को याद दिला दूं, यूपी के जिन 15 जिलों में 11 फरवरी को वोटिंग होगी, वहां के मतदाताओं की राय हम आपको दिखा रहे हैं। जी हां, ये तो मतदान केंद्र के बाहर मैं मौजूद हूं, लेकिन वो मुद्दे जब आप किसी के लिए वोट कर रहे होंगे तो मतदान केंद्र के अंदर आपके जहन में आएंगे, सीधा वहां का रुख करते हैं। मतदान केंद्र, यहीं पर आपको वो सारे के सारे मुद्दे जहन में आएंगे, जैसे इस बक्से में आपके सामने अभी हम आपको दिखा रहे हैं। वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप वोट करेंगे? अब तक की रिपोर्ट में सबसे अच्छी बात ये रही कि मतदाताओं ने जाति धर्म के नाम पर वोटिंग को सिरे से खारिज कर दिया है। मथुरा चलते हैं, मथुरा के मतदाता के वोट वाले मुद्दे हैं क्या, देखिए। धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में रही है, 11 फरवरी को मथुरा भी मतदान करेगा, लेकिन किस मुद्दे पर? एक तो ये है कि लाइट की और रोडों की और यहाँ पे सफाई सुविधा की बहुत कम व्यवस्था है, इसके लिए हम उसके लिए वोट करना चाहते हैं। साफ सफाई की, लाइट की और ये रोड का विकास होने की मुद्दों के लिए मैं वोट करना चाहूँगा। हमारे यहाँ विकास होना चाहिए, कोई भी गली या कोई भी निकल जाओ सभी खराब पड़ी हुई है और हमें लोकल आदमी चाहिए जिससे कि हम अपनी बात जाके कह सकें, उससे मुद्दा का हल निकलवा सकें। मुद्दा विकास का होगा, दूसरा मुद्दा धार्मिक स्थल घोषित करने का होगा और तीसरा मुद्दा हमारे मथुरा को NCR में लाना चाहिए। विकास का मुद्दा भी है और लाइट का भी मुद्दा है और मेन चीज़ है अगर प्रत्याशी हमारा यहाँ का लोकल कोई है बढ़िया सुझारू जो हम लोगों की बात को सुन सके, आधी रात उसके हम पहुँच सकें, हमारे काम में आ सके, हम उस आदमी को वोट करेंगे। हमारी अब देश में विकास करेगा, हम उसी पार्टी को वोट करेंगे। क्षेत्र में विकास हो, यह सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का, यहाँ कॉलेज डिग्री कॉलेजों की काफ़ी कमी है और जो है वो बहुत ज़्यादा फीस करते हैं, चार्ज करते हैं। वोटिंग से पहले मथुरा के जिन मतदाताओं ने अपनी राय जाहिर की उनमें से 50% मतदाता विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे, 40% लोगों के लिए बिजली, सड़क, सफाई सबसे अहम मुद्दा है और 10% शिक्षा और रोजगार के लिए वोट डालेंगे। जो शहर ही बुलंद हो वहाँ के वोटर्स का मुद्दा क्या हो सकता है? जी हाँ, बात बुलंद शहर के वोटर्स के बोल की। वोटर्स के बोल जानने के लिए जी मीडिया की टीम बुलंदशहर पहुंची। वोट देने के लिए वोटर्स के अपने मुद्दे हैं, जिनमें कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे अहम मुद्दा है। बुलंदशहर कॉन्स्टिट्यूएंसी की मजबूरी है कि इस वक्त अगर गुंडागर्दी, अराजकता, बहन बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए, उनकी शिक्षा होनी चाहिए, जिसका अभाव बराबर कोई पार्टी नहीं करती उसके बारे में। जैसे छेड़छाड़ का मुद्दा है, छेड़ कोई निकल रही है, लड़के वोटिंगबाजी करते हैं इस तरह का, तो ये मुख्य मुद्दा होना चाहिए। देश विकास के रथ पर सवार है, लिहाजा बुलंदशहर का वोटर भी अपने जिले के लिए विकास मांगता है।
जो भी चुनाव होना चाहिए वो विकास के लिए होना चाहिए, और विकास में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे किसानों की समस्या बहुत खराब है इस समय। यार ये है कि सब विकास होना चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इंडिया के अंदर। सर युवा नेता ग्रेजुएट है, लेकिन फिर भी जो काम वगैरह कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जाति और धर्म वोट मांगने के आधार नहीं हो सकते। नेताओं को बात समझ में आई या नहीं ये नहीं कह सकते, लेकिन वोटर साफ साफ कहता है कि जाति धर्म आधारित वोटिंग अब बंद। जाति धर्म संप्रदाय के हिसाब से कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। जाति धर्म से क्या जाति धर्म बंटवा के 50-60 साल जाति धर्म पे वोट खा रहे हैं या करना धरना कुछ भी। जाति धर्म का सारा मुद्दा खत्म कर देना चाहिए। देश की जनता बदलती सरकारों के भ्रष्टाचार से भी तंग आ चुकी है, अब वो भ्रष्ट लोगों को वोट देना नहीं चाहती। भ्रष्टाचार इतनी बड़ी समस्या है जिसमें आज तक कोई राजनीतिक पार्टी ना तो बोलने को तैयार है ना कुछ सुनने को तैयार है। बुलंदशहर का करीब 40% वोटर अपराध और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर वोट देना चाहता है। 40% मतदाता को आने वाली सरकार से विकास चाहिए। जाति और धर्म के आधार पर वोट देने वाले अब 0% हो चुके हैं, तो करीब 20% मतदाता अपना वोट भ्रष्टाचार रोकने वाली पार्टी को देना चाहते हैं। तो हमने उम्मीदवारों पर नहीं बल्कि मुद्दों पर जनता की राय ली है, और ये मुद्दे आपके सामने यहाँ पर ईवीएम में नजर आ रहे हैं। उम्मीदवार नहीं, लोग मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में जहां पहले चरण का चुनाव 11 फरवरी को होना है, उनमें से 13 जिलों में हम पहुंचे। मतदान से पहले आम मतदाता क्या सोचता है, उनके मुद्दे क्या है, ये आपने देख लिए हैं। तो देखिए कुल मिलाकर अगर एवरेज लिया जाए तो पहला नंबर आता है विकास का। 50% जो है विकास के मुद्दे पर इस बार वोट करने वाले हैं। महिला सुरक्षा और अपराध 25% लोग इसी मुद्दे पर वोट करने वाले हैं। भ्रष्टाचार तीसरे पायदान पर आ जाता है जहन में जब मुद्दों को लेकर आप जाएं बात करने के लिए। इन 11 जिलों की बात कर रही हूं मैं। नोटबंदी को लेकर 10% लोग ये कह रहे हैं कि हम इसी पर वोट करने वाले हैं, और बाकी जो दूसरे मुद्दे जहन में रखे हुए हैं वो 5% है। तो मतदान केंद्र में जब आप मौजूद रहेंगे तो ध्यान रखिएगा उम्मीदवार, और उम्मीदवार के साथ इन मुद्दों को जरूर जहन में रखिएगा कि कौन इन मुद्दों पर खरा उतरता है उसको वोट दीजिएगा। अभी तो मतदान केंद्र के अंदर है, जरा बाहर जाने का वक्त है। बाहर जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको याद दिलाना है 11 तारीख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिकॉर्ड तोड़ पहुंचिएगा वोट करने के लिए, जितना बाहर पहुंचेंगे उतना ईमानदारी से अपने जनप्रतिनिधि को आप चुन पाएंगे।